ग्रामीण डाक सेवकों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। कोसाबाड़ी प्रधान डाक घर के सामने डाक सेवक लगातार धरना दे रहे हैं। समस्या के निराकरण के लिए अभी तक कोई पहल नहीं हो सकी है। ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों का कहना है कि हड़ताल लंबी चली तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कमलेश चंद कमेटी के वेज रिवीजन रिपोर्ट लागू करने समेत 10 सूत्री मांग लेकर ग्रामीण डाक कर्मियों के बेमियादी हड़ताल पर जाने से डाकघरों में ताला लटका हुआ है। प्रधान डाकघर में भी डाक सामग्री जाम होने से अब ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मजबूरी वश कई क्षेत्र के लोगों को आवश्यक डाक के लिए प्रधान डाकघर की दौड़ लगानी पड़ रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि हड़ताल लंबी चली तो परेशानी होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। हड़ताल से ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं ठप होने के कारण पार्सल और पत्र नहीं पहुंच रहे हैं। मूल सेवाओं के साथ टिकट, मनी ऑर्डर व पोस्टल ऑर्डर समेत अन्य वस्तुओं की खरीदी नहीं होने के कारण व्यवसाय प्रभावित होने के साथ ही जमा खाताओं में लेन देन भी ग्रामीण नहीं कर पा रहे हैं। इधर ग्रामीण डाक सेवक संघ का कहना है कि हड़ताल के चौथे दिन भी वार्ता करने की कोई पहल नहीं की है। इससे लगता है कि प्रबंधन अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। इसका खामियाजा ग्रामीण क्षेत्र की जनता को उठाना पड़ रहा है। प्रमुख मांग है, हम लोग पिछला हड़ताल किए थे, उस मांग को लागू नहीं किया गवर्नमेंट ने, केंद्र सरकार। पिछले हमारी मांग थी ये, हम लोगों का ग्रेजुएटी था 5 लाख रुपए, उसको लागू नहीं कर रहा है। 3 प्रमोशन है 12 साल 24 साल 36 साल में, उसको लागू नहीं कर रहा है। उसी के विरोध में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक हड़ताल जारी रहेगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया के साथ पूजा साहू की रिपोर्ट।